हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे कि सबको पता है, जेके बैंक का हमारा फर्स्ट फेज कह सकते हैं हम खत्म हो गया है, जिसमें प्रीलिम्स थे और बैंकिंग एसोसिएट, तो चलो पूरा पेपर ही खत्म हो गया है और ये पीओ में प्रीलिम्स खत्म हो गया। अब क्या बचा है? अब जो होगा वो होगा हमारा मेंस। मेंस के लिए मैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी ले आया, क्योंकि रिजल्ट का अगर आप वेट करने लगेंगे, आपको बता दो जिस दिन रिजल्ट होगा उसके 20 या 30 दिन के बाद मेंस होगा, और मेंस की प्रिपरेशन जो आपने प्रीलिम्स में की है उससे 3 टाइम्स ज्यादा होगी। और प्रीलिम्स तो काफी इजी फेज रहता है निकालना, इजी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अब जैसे आप लोगों को पता कि आप पीओ के लिए अपेयर कर रहे हैं, 2500 लोग होंगे, इसमें से आप 750 जाएंगे। 2500 वो लोग होंगे जिनको क्वांट भी आता है, जिनको रीजनिंग भी आती है, जिसको इंग्लिश भी आती है, तभी उन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है। अब आपका कंपटीशन वो 10,000, 20,000, 1,00,000 लोगों से नहीं है, अब आपका कंपटीशन उन लोगों से है जिन्होंने पहला फेज क्वालिफाई किया हुआ है, यानी कि जिनमें कुछ बात है तभी उन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है आपको मेंस में, मैं बताता हूँ। मेंस में आपकी जो स्पीड है वो मैटर नहीं करती, पहली चीज। प्री में करती है, प्री में इस तरह से रहता है कि अगर आप किसी भी सेक्शन में रुक गए या आप पजल में फंस गए तो आपका पेपर खराब होने के चांसेस रहता है, आपकी सिलेक्शन रुकने के चांसेस रहते हैं। मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मेंस में आप रुक रुक के ही चलेंगे। जिस हिसाब से प्रिडिक्शन थी पहले कि जेके बैंक का पेपर 2015 की तरह ही आएगा, पीओ का इजी लेवल का, जेके बैंक ने सबसे पहले तो ये तोड़ा लोगों का भ्रम कि नहीं, इस तरह से नहीं है। जो जेके बैंक पीओ का प्रीलिम्स था वो सेम आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ के लेवल का था, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मेंस भी आपको उसी लेवल का दिख सकता है। इजी मानने की इसको गलती मत करें, इजी मान के चलेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। आपको मैं कट ऑफ के एक आइडिया दे देता हूं। एसबीआई का पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन उसका मेंस का कट ऑफ 75 था शायद से, कुछ इतना ही था, और आईबीपीएस का कट ऑफ था 74 आउट ऑफ 225 डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स वगैरह ऐड करके। इतना तो लोग या इससे ज्यादा तो लोग बैंकिंग एसोसिएट का कट प्रिडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 100 में से, तो आप खुद देख सकते हैं कि किस क्या लेवल होगा एग्जाम का। जो क्वालिफाइड लोग होंगे जिन्होंने प्री निकाला वही एग्जाम देने गए, तो किस तरीके का लेवल आता है आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैंने पहले भी आपको आइडिया दिया है, जब मेरा खुद आईबीपीएस पीओ का स्कोर कार्ड आया था मेंस का, या इंटरव्यू के बाद के जो मार्क्स थे वो सब देके। अब आज इसमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि मेंस में होता क्या क्या है। मेंस में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एग्जाम में क्या क्या सेक्शन होंगी, क्या किस हिसाब से होगा। जैसे प्री का सबको पता चल गया था कि 20-20 मिनट की 3 सेक्शन है, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे मैं आपको पहले वो बताऊं। इसमें 4 सेक्शन होंगी, मैं इन पे डिटेल बात करूंगा अभी। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड प्लस क्वांट, ये 4 सेक्शन होंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कितने कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के आपसे 40, रीजनिंग के 50 और क्वांट के 50। टोटल आपको क्वेश्चन जो दिखेंगे वो होंगे 190। इतना क्लियर है। अब यहां पे बात करते हैं कि मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। मार्क्स 50 क्वेश्चन ये, यानी कि हर एक क्वेश्चन कितना होगा 1 मार्क का, इंग्लिश 40, क्वांट 50। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिस तरह का लेवल था यहाँ पे कट ऑफ जो आईबीपीएस पीओ मेंस में गया मैथ का, वो 4 या 5 मार्क्स के करीब गया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चन थे और 4 या 5 कट ऑफ जा रहा है, किस लेवल तक का पेपर होगा वो। डिफिकल्टी से मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं बस आपको ही बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो वो लोग को मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से एग्जाम होगा। अब बात करते हैं टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की क्या होगी।
जनरल अवेयरनेस में आपको मिलेंगे 35 मिनट जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप हार्डली 10 मिनट में ये सेक्शन अटेम्प्ट कर लेंगे, 10 मिनट से ज्यादा आपको जरूरत नहीं लगती। बस आपको क्वेश्चन देखने, अगर आपको आता है आप आंसर मार्क करेंगे, आपको नहीं आता आप स्किप करेंगे। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, 35 मिनट काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी ठीक है, आप अपने आप को उस एनवायरमेंट में डाल सकते हैं कि किस तरह से पेपर आ रहा है किस तरह से नहीं। बात करते हैं इंग्लिश, पहले मैं बात करूं रीजनिंग, इसके मार्क्स है 60। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, मैं ये डिटेल में डिस्कशन करूंगा क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिखेंगे जो एक मार्क के होंगे और 10 होंगे जो आपको दो मार्क्स के होंगे, 40 होंगे जो एक के होंगे और 10 होंगे जो दो मार्क्स के होंगे। बाद में बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन 35 मिनट इंग्लिश सेक्शन को होंगे, 45 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे और 45 मिनट क्वांट में। आइडिया में दे रहा हूं, आईबीपीएस पीओ का कट था 4, 45 मिनट लगभग एक घंटे के करीब करीब आपको टाइम मिला है 50 क्वेश्चन करने के लिए। और आप खुद देख सकते हैं कि लोगों का सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ, यानी कि 4 क्वेश्चन नहीं बना पाए वो पूरे 45 मिनट में। क्या क्या था एग्जाम में वो बात की बात है, लेकिन जिस हिसाब का प्री था उससे आइडिया हो गया कि मेंस का लेवल भी काफी अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन मिल जाए बिना किसी बैकडोर एंट्रीज होती है वो होती है, बैकडोर एंट्रीज अगर हद से ज्यादा हुई तो वो इंटरव्यू तक ही मतलब हो सकता है आपकी अगर अप्रोच है, तो आप इंटरव्यू में ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेंस में आप अगर इतना स्कोर कर लें कि आपको मेंस का जो कट है उससे 15 या 20 नंबर ज्यादा है, इंटरव्यू में अगर आपको 20 में से 6 या 7 भी मिलते हैं तो अभी आप क्वालिफाई कर लेंगे आराम से। आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि आपको जरूरत ना पड़े इंटरव्यू के मार्क्स की सिलेक्शन के लिए। बात करते हैं हम आगे डिटेल में हर एक सेक्शन की कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है क्या नहीं। सबसे पहली सेक्शन की बात करूंगा मैं जनरल अवेयरनेस, ये अपने आप में ही 3 सेक्शन है। इसमें आपको सबसे पहली चीज दिखेगी वो होगा एग्जाम में करंट अफेयर्स, दूसरी सेक्शन इसमें आ जाती है हमारी बैंकिंग अवेयरनेस, और तीसरी सेक्शन आपको दिख जाती है स्टैटिक जीके। मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा जिसमें जनरल अवेयरनेस कैसे करनी है उसके ऊपर, आज तो मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि सब बोर हो रहे हैं, कुछ करने को है नहीं, मैं बस उन्हें एक आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ा सा डरा रहा हूँ कि जो बोर हो रहे हैं वो वापस, अभी क्योंकि हाल ही में काफी सीरियस चल रहे थे सब पढ़ाई को लेकर, तो वो अभी सीरियस ही कंटिन्यू करें, बीच में गैप ना ले आए, फिर दोबारा 10-15 दिन आपको एडजस्ट करने में लग जाएंगे कि यार दोबारा पढ़ना। तो इसीलिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ये 3 सेक्शन होती है एग्जाम में, किस तरह से करना है मैं आपको अलग से बताऊंगा। मैंने आपको बताया 50 मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स में अप्रोक्सीमेट कोई ऐसा फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हमारा चलता है 25-30 मार्क्स का जो हमारा होता है वो होता है हमारा करंट अफेयर, 10-15 मार्क्स का होता है हमारा बैंकिंग अवेयरनेस, और सेम जो बाकी बचा खुचा हुआ वो हमारा होता है स्टैटिक जीके, यानी कि 10 तक के क्वेश्चन ये भी हो जाते हैं हमारे एग्जाम में। स्टैटिक जीके में क्या आएगा, अगर आप बोलेंगे आपको जम्मू की हिस्ट्री पूछी जाएगी वो नहीं पूछी जाएगी, कश्मीर का हिस्ट्री पूछी जाएगी, कश्मीर का राजा कौन था वो नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या आता है मैं आपको अलग से बताऊंगा, इसमें डैम्स हो गए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा थर्मोपावर प्लांट कहाँ पे है, ये सब चीजें इसमें आती है। कौन सी डेट, जैसे अभी हाल ही में अर्थ डे हुआ, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसी चीजें आपको स्टैटिक जीके में पूछी जाएंगी। बैंकिंग अवेयरनेस में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा CRR क्या है, SLR क्या है, कितने परसेंट चल रहा है, RBI का गवर्नर कौन है, ये सब हमारे बैंकिंग अवेयरनेस में आ सकता है कि अभी हाल ही में SBI ने कौन सी ऐप लॉन्च की है, कहाँ से की है, क्या 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 नाम है उसका। ये करंट अफेयर में आपको आ सकता है कि अभी हाल ही में जो, जैसे सपोज मैं ये ग्राफ आइडिया दे रहा हूँ आपको कि जैसे सपोज किसी चीफ में कोई चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ है या कहीं पे कुछ हुआ है तो उसका नाम क्या है, वो कौन सी पार्टी से है, ये छोटी छोटी चीजें आपको इनमें पूछी जा सकती हैं। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको, बता रहा हूं ये सेक्शन मेंस में गेम चेंजर है। IBPS क्लर्क जब मैंने दिया था तब मेरे उसमें 34 मार्क्स थे,
इस सेक्शन में। और आपको बता दूं कि और आईबीपीएस पीओ में मेरी ये खराब गई थी, इसमें 15 मार्क्स है लेकिन उसमें रीजनिंग ने बचाया। ये सेक्शन अकेली ऐसी सेक्शन है जो आपको कट ऑफ के पार ले जा सकती है अगर आपकी बाकी तीन सेक्शन एवरेज में भी क्यों ना हुई हो। मगर वो एवरेज में क्या होगी अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि एग्जाम में चार सेक्शन होंगे, ये चार, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। जिस जिसको आती है उसने प्री क्वालिफाई की है, सबका लेवल सेम है। आप रीजनिंग क्वांट में अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है आप ज्यादा से ज्यादा पेपर में दूसरे से दो या तीन क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं। रीजनिंग अगर आपका दिमाग शांत है या आपका स्किल ज्यादा है तो आप दो से तीन ज्यादा कर सकते हैं। इंग्लिश अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आप पांच से दस कर सकते हैं। घूम फिर आगे आप 14-15 मार्क्स यहाँ पे लीड ले सकते हैं इन तीन सेक्शन में अगर आप बहुत बहुत बेटर है। लेकिन जिस बंदे ने प्री क्वालिफाई करके मेंस में आएगा उसका भी कुछ लेवल होगा, वो 14-15 मार्क्स की लीड इतनी आसानी से देगा नहीं आपको। ये जो सेक्शन है अगर वो आपसे उसने ज्यादा अच्छे से पढ़ा है तो वो सीधा यहाँ पे 15 तक मार्क्स अकेली सेक्शन में आपसे ज्यादा ले सकता है। तो बात करते हैं ये सेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अलग से वीडियो आएगी किस तरह से पढ़ना है किस तरह से नहीं। इसके 50 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हो गए पहली सेक्शन जनरल अवेयरनेस के। डिपेंड करता है पेपर किस लेवल का आ रहा है किस लेवल का नहीं, वो अलग, आज सिर्फ ओवरव्यू आपको मिल दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में आपको 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और टाइम होगा आपके पास 35 मिनट्स। इंग्लिश में आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे जिन्होंने पीओ का प्री दिया है उसी लेवल के होते नहीं थे ऑलमोस्ट, लेकिन आईबीपीएस में पिछली बार उसी लेवल के थे। इंग्लिश इजी थी थोड़ी सी, पैसेजेस आएंगे आपको, जैसे अभी आपको 20 मिनट की सेक्शन में एक पैसेज था, यहाँ पे हो सकता है आपको दो से तीन से चार भी पैसेज दिख जाए पेपर में, छोटे छोटे पांच पांच मार्क्स के। तो रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। प्री तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, सही जो सिलेक्शन होती है वो मेंस के बेसिस पे होती है, और मेंस की तैयारी करने में आपको जितना प्री में लगा है टाइम उससे काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अपने आप को इसीलिए ब्रेक ना दें, कंटिन्यू रखें सब। क्वांट 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, आराम से सेक्शन अटेम्प्ट करनी है क्योंकि टाइम आप देख रहे हैं 35 मिनट है। प्री में 20 मिनट होते हैं 35 क्वेश्चन करने के लिए, यहां पे आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए, सॉरी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने के लिए। तो आप खुद देख सकते हैं टाइम लिमिट काफी है, काफी टाइम मिलता है मेंस में आपको, पूरा पेपर देना है आपने तो उसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं रहता। आपको मैं एक और चीज बता दूं, टोटल टाइम जो हमारा होगा 200 मार्क्स का पेपर होगा और टोटल टाइम हमारे पास होगा 160 मिनट, काफी है वो। अगर आप देखें 60 मिनट में 100 करने की बजाय यहाँ पे टाइम तो काफी होगा लेकिन अटेम्प्ट क्या करना वो मैटर करता है। इंग्लिश सेक्शन के बाद हमारी सेक्शन आती है, मैं दोनों सेक्शन यहाँ पे बता दूंगा आपको, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। अब लोग क्या करेंगे, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो कंप्यूटर में शुरू करेंगे दोबारा पढ़ना, जो करते आ रहे हैं अरिंद की एक बुक आती है उससे कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉपिक करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे एमएस वर्ड, पेंट, इन सब की कमांड्स, ये सब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। मैं आपको एक चीज बताऊं, दो साल से क्या हो रहा है कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा, ये सिर्फ नाम के तौर पे एग्जाम में लिखा होता है। जो क्वेश्चन आते हैं वो बाइनरी वाले क्वेश्चन आते हैं, वो मैं करवा दूंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में कंप्यूटर के नहीं दिखेंगे। तो बेशक अगर आप चाहे तो वो वहां पे अपना टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि कंप्यूटर नहीं आता। पहले एक सेक्शन होती थी अलग से कंप्यूटर सेक्शन करके, उसमें आते थे क्वेश्चन 30-40, अभी भी आते हैं आरआरबी में आते हैं, मगर यहाँ पे नहीं है जेके बैंक में, यहाँ पे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये रीजनिंग ही आपकी इतने मार्क्स की आएगी। अब यहाँ पे 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 40 होंगे एक एक मार्क्स के, जो 10 होंगे दो मार्क वाले, ये आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। मेरा पूरा पेपर इसी बेसिस पे निकला है कि रीजनिंग के मैंने दो मार्क्स वाले कितने अटेम्प्ट किए थे, क्यों, क्योंकि 40 में जो एक मार्क वाले हैं वो सब करेंगे, सब फंसेंगे। टाइम यहाँ पे 45 मिनट है, टाइम की कमी नहीं होगी लेकिन अटेम्प्टेशन भी आपकी कम ही रहेगी, पेपर का लेवल किस हिसाब से आता है उस पर। रीजनिंग के जो 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं दो मार्क्स वाले वो काफी टफ होते हैं,
वो एक तरह के एक तरीके से आप कह सकते हैं गैम्बल ही है। अगर आपने वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया टफ होंगे, इसको तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि वो टफ होगा। अगर आपने वो स्टार्ट किया 10 से 15 मिनट आपने दे दिए और वो नहीं निकला अगर, तो क्या होगा, आप तब पैनिक करेंगे और वो ऐसा पैनिक होगा जो कि आपका दिमाग खराब कर देगा एग्जाम में, क्योंकि एक घंटे का एग्जाम नहीं है, दो लगभग तीन घंटे का एग्जाम है। और उस टाइम पे फिर अगर आपका दिमाग बहुत ही शांत है तो आप वो कोप कर पाएंगे इसके साथ कि कैसे करें, किस तरह से करें, बाकी अटेम्प्ट किस तरह से करें। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी मॉक टेस्ट दे के ही आपको समझ आएगी क्या है क्या नहीं रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की। तो ये सेक्शन आपकी सिलेक्शन भी डिसाइड कर सकती है और रोक भी सकती है, बात आई है। उसके बाद बात करते हैं, यहां पे आपको मैं बता दूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट अजम्पशन के, एक आता है हमारा यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट अजम्पशन आता है, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मैं करवाऊंगा अभी आपको। उसके बाद बात करते हैं कौन सेक्शन की, कौन सेक्शन में आपको सेम 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स और 45 मिनट्स। इसको करना किस तरह से है वो आपको मैं बताता हूँ। जो लोग पहले मेरे को कह रहे थे कि सर आप एजेस बढ़ा रहे हैं, आप एवरेज करवा रहे हैं, आप रेशियो के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये तो करने अटेम्प्ट ही नहीं करने पेपर में, तो मैं कहता था चलो कोई बात नहीं तुम मत करना अटेम्प्ट, मुझे करवाने दो। आपको मैं बताता हूँ क्या, जब पेपर में ये इस तरह से आया है और इसका कट 4 मार्क्स किया है, आप खुद आइडिया देखें कि पेपर का लेवल क्या था, ये क्या होगा। अगर मेरे को मेमोरी बेस्ड वो पेपर दिखेगा मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, तब क्या काम आता है, तब काम आता है एवरेज, एजेस, रेशियो। डीआई अभी मेरे को पता थी पेपर में जो आएगी वो इजी होगी, कर लेंगे सब, सिंपल बेसिस होंगे। यहां पे आपके कंसेप्ट पे काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो चैप्टर्स हैं, अब मैं अपनी आपको एग्जांपल बताता हूं, इसी एग्जाम में जो आईबीपीएस था टफ था, मैंने एजिस का क्वेश्चन किया था, मैंने एवरेज का क्वेश्चन किया था, जिस वजह से मेरा टोटल अटेम्प्ट 12 हुआ था 50 में से, जो कि काफी अच्छा था, 12 क्वेश्चन 50 में से अटेम्प्ट। और मेरे साथ मेरे ऐसे फ्रेंड थे जैसे कट हमारा 74 गया है, उनके मार्क्स 89 आए हैं और उनका क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, डरा नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूं कि जो भी तक हमने किया सिलेक्शन के लिए पीओ की, वो 10% भी नहीं था, 90% अभी बाकी है, अभी सही तैयारी शुरू हुई है करना। तो ये आज मैं एक ओवरव्यू दे रहा था कि जो लोग कह रहे हैं थोड़े दिन रिलैक्स करेंगे, कर लें, दो तीन दिन ले लें आराम से, 1 मई से स्टार्ट कर देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ी ब्रेक लेनी है आप ले लें, 1 मई से स्टार्ट करें, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रिजल्ट आने का, फिर उसके बाद वो होगा, लेकिन आपको बता दूं जितना टाइम मिले उतना कम है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि जब बात 250 की पोस्टों की होती है 2500 के कंपैरिजन में लगती ज्यादा है, लेकिन ये 2500 लोग जो बैठे हुए हैं ये भी काफी ज्यादा देर से तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ 750 रह जाएंगे। तो थोड़ा यहां पे भी ध्यान दें, अगर कट ऑफ आपका 30 कितना भी जाता है इसका 38 जाता है, चलो मान लो 50 गया, जो बच्चे 50.15 पे है और जो बच्चा 80 भी लेके आया पीओ में, आपको बता दो अगर ये मेंस में सही कर गया आप नहीं कर पाए ये सिलेक्शन लेगा, आपके मार्क्स वैलिड नहीं है। तो ये तो यही एक बात। उसके साथ साथ मेरे को लोग कह रहे थे कि एक कट ऑफ का आइडिया दे दें जो सेक्शनल कट ऑफ जाएगा, सेक्शनल कट ऑफ जाएगा जो बैंकिंग एसोसिएट के एग्जाम में, मैं आपको बता दूं 7 या 8 मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, पेपर जितना मर्जी इजी हो उससे ज्यादा नहीं जाएगा सेक्शनल कट ऑफ। ये नहीं डिपेंड करता कि आपका क्या है, पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, अगर टफ है तो कम जाता है, इजी है तो थोड़ा ज्यादा जाता है, लेकिन 8-9 से ऊपर नहीं जाएगा, और इतने तो आप करके आए होंगे अगर आपने सिलेक्शन का सोच रहे तो सेक्शनल कट ऑफ के बारे में ज्यादा मत सोचें। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है अभी आज के वीडियो में, मेंस क्या है इसका ओवरव्यू दिया है बिल्कुल कि किस तरह से आता है किस तरह से नहीं, एक वीडियो में अलग से बताऊंगा किस किस तरह से प्रिपेयर करना है किस तरह से नहीं। 1 मई से स्टार्ट कर देते हैं अगर ज्यादा आप लोगों को प्री दे के थक गए हैं तो,
फर्स्ट मई से स्टार्ट कर देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। आज क्या है, आज 27 है, 28, 29 और 30, इतने दिन आपको जेके बोर्ड का भी बता, जेके बोर्ड का भी बता दूंगा कि जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या है, और LIC का पेपर है जिन लोगों का 5th मई को, उनको एक आइडिया दे दूंगा कि क्या है उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये भी हाल ही में हमारे लिए सामने सिर्फ ये है, मेरी तो सोच ये थी कि मैं CGL का शुरू कराऊं, बट चलो जिस तरह से जो लोगों ने पढ़ना है वही करवाऊंगा, मेरे को क्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कट ऑफ के चक्रों से बाहर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि सपोज अभी के लिए आपने पेपर दे दिया जेके बैंक का, अब आपके हाथ से बात चली गई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। एक चीज बताऊं, जो लोग कह रहे हैं कि सर हमारी शिफ्ट टफ थी, दूसरी की प्लेट में पड़ा हुआ खाना हमेशा टेस्टी लगता है, इसको ध्यान से समझ लेना जो मैंने कहा। दूसरे की शिफ्ट आपको हमेशा आसान लगेगी, क्यों? क्योंकि आपने वो अपेयर नहीं की, आपको कोई आइडिया नहीं है उसमें क्या आया था क्या नहीं। तो अपनी शिफ्ट हमेशा सबको टफ लगती है, मुझे भी लगती है, बाकियों को भी लगेगी। अब ये नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जो SBI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो आपके घर के पास आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, स्पेशल रिक्रूटमेंट है J&K में, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जम्मू में अलग से वो है, उल्टा अच्छी बात है कि कश्मीर का कंपटीशन जम्मू नहीं आएगा, जम्मू का कश्मीर नहीं जाएगा। लेह के पास भी जो लेह लद्दाख के लोग हैं उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है इसमें। तो SBI के लिए तो आपके पास देखो है चांस, अभी साथ साथ करते रहोगे तो कवर कर लोगे, बाद में अगर कवर न जाओगे तो मुश्किल होगा, और उसमें तो मेंस है ही है। तो मैं जो लोग बैंकिंग एसोसिएट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे सिर्फ, उनको भी मैं बता दूं कि बेटर है कि आप SBI के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें अभी से। प्री में अगर कोई कमी रही है तो आप उसको भी अपने साथ साथ स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी आप टच में हैं इस सब चीजों के, सब कुछ नया नया चल रहा है। तो कोशिश करें कि ये कंटिन्यू रखें। बस आज के लेक्चर में इतना ही, और जो लोग हैं सीरियस उनको बता दूं कि आप टेस्ट सीरीज ले लो, जनरल अवेयरनेस का भी वहां से भी कवर हो जाएगा हमारा। तो टेस्ट सीरीज आप कर ले, 31st तक ही आपको वहां पे वो मिलेगा डिस्काउंट, उसके बाद आपको अपने रेट्स पे खरीदनी पड़ेगी, उससे बेटर है कि अभी आप डिस्काउंट पे ले लें। सेम पैटर्न आपको SBI क्लर्क का भी दिखेगा, तो जो लोग SBI के लिए भी अपेयर करना चाहते हैं वो भी ये ले लें, क्योंकि अभी लिया हुआ सस्ते में मिल जाएगा, और सेम क्वेश्चन उस टाइम पे ज्यादा रेट पे लेने से बेटर है अभी ले लें। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल जेके बोर्ड के पूरे एग्जाम पैटर्न वगैरह को लेके उसके साथ, ये शाम को ही मैं ले आऊंगा वीडियो, आज फ्री है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके गाइस।